जंग से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। इसराइल के साथ युद्ध के बीच हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला आज अपने समर्थकों को अब संबोधित भी करने वाला है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के नेता सऊदी अरब में बैठक करेंगे और वहीं लेबनान में हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्ला के भाषण की आशंकाएं हैं। और इस भाषण से पहले ही हिजबुल्ला ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें नसरल्ला की स्पीच का कुछ अंश भी है और हिजबुल्ला के इसराइल पर हमले की तस्वीरें भी जारी की। आपको बता दें आज 22 मुस्लिम देशों की बैठक होने वाली है और उससे पहले इस तरह का वीडियो जारी किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि नसरल्ला आज भारतीय समय अनुसार लगभग शाम के 6:30 बजे स्पीच दे सकता है। ऑपरेशन अल अक्सा की कसम, नहीं जीतेगा इसराइल। हमास के पास हारने को कुछ नहीं बचा है, जीत के अलावा इजराइल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। 7 अक्टूबर को जब हमास के हमले के बाद से 1 महीने से ज्यादा की जंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमास के 45,000 लड़ाकों को इजरायली सेना सफाया नहीं कर पाई है। 1 महीने से ज्यादा की जंग में 40,000 के करीब गाजा में इमारतें तबाह हो चुकी है, लेकिन हमास फिर भी जंग कर रहा है। इजराइल की वॉर कैबिनेट के दावों के मुताबिक 5,000 से ज्यादा हमास के लड़ाके मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास लगातार उत्तरी गाजा में इजरायली सेना और उसके टैंकों पर जमकर हमले कर रहा है। आखिर हमास के हमले रुक क्यों नहीं रहे हैं? लेबनन की राजधानी बेरूत में बैठा हमास का प्रवक्ता अबू उबैदा डंके की चोट पर कह रहा है कि ऑपरेशन अल अक्सा की कसम, नहीं जीतेगा इजराइल। إن عملياتنا الدفاعية متواصلة ولا تزال في بدايتها ولا زال في جعبتنا الكثير بعون الله وقوته وكما وعدنا هذا العدو فإن غزة ستكون مقبرة له ووحلا لجنوده وقواته وقيادته السياسية والعسكرية برادة نهي بارود هي حماس एक महीने से ज्यादा की जंग में हमास ने साबित कर दिया है कि इजराइल भले ही हमास से हथियारों और तकनीकी मामले में ताकतवर हो, लेकिन हमास की लड़ाकू क्षमता कई मौकों पर इजरायली सेना पर भारी पड़ रही है। भले ही हमास के 70 के करीब टॉप और जूनियर कमांडर गए हों, लेकिन अभी भी 300 किलोमीटर की एरिया में फैली हमास की 1300 सुरंगों में 45,000 से ज्यादा हमास के आत्मघाती लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं। हमास के कई वीडियो में दिखाया गया है कि सुरंगों के जाल से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना, टैंक और भारी तोपखाने पर रॉकेट से घातक हमले किए हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि
कि क्यों सुरंग युद्ध में हमास के लड़ाकों को महारत हासिल है। हमास के लड़ाकों के हाथों में ईरान के हथियार इजरायली सेना के लिए काल बन चुके हैं। जरा देखिए हमास की मौजूदा सैन्य क्षमता देखें तो उसके पास ज्यादातर ईरान के दिए हथियार हैं। इजराइल पर मौजूदा हमले में फज्र 3 और फज्र 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दोनों ही सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। इनमें से फज्र 3 43 किलोमीटर तक वार कर सकती है, जबकि फज्र 5 75 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। ईरान से हमास को छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेटों का जखीरा भी मिला है। इसके अलावा हमास हथगोलों और विस्फोटकों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। आरपीजी से सबसे ज्यादा हमले सुरंगों से हमास इजरायली सेना पर कर रहा है। विस्फोटक बेल्ट भी हमास के लड़ाके आईडीएफ के खिलाफ जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि एंटी टैंक मिसाइलें हमास का अचूक हथियार इस वक्त साबित हो रही हैं। كما تمكن سلاح البحرية في كتائب القسام بفضل الله تعالى من توجيه عدد من الهجمات ضد أهداف بحرية خلال الأيام الماضية قبالة سواحل قطاع غزة بواسطة طربيد العاصف الموجه عن بعد والذي نكشف عن دخوله الخدمة لأول مرة خلال هذه المعركة। हमास को 30 डिग्री से मार रहा है इजराइल। इजरायली सेना आईडीएफ ने गाजा में भीषण विनाश लीला चरम पर पहुंचा दी है। पिछले 18 घंटे में गाजा पट्टी को जमीन में दफन करने के लिए इजरायली वायुसेना ने विनाश की हद तक बम और मिसाइलों से हमले किए हैं। तरबूज की तरह फटती इमारतें और जमीन पर फिलिस्तीनियों और हमास लड़ाकों के उड़ते चीठड़ों ने पूरे गाजा में भयानक कोहराम मचा दिया है। महज एक घंटे के अंदर इजरायली वायुसेना ने 100 फाइटर जेट से 5000 से ज्यादा हमले किए हैं। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में हर तरफ भयानक खून खराबा हो रहा है। הם יודעים שהעם כולו עומד מאחוריהם. הם מבינים את גודל המשימה. הם נכונים לפעול בכל רגע כדי למגר את מפלצות הדמים שקמו עלינו לחלוטנו. החמאס חשב שאנחנו נתפרק, אנחנו נפרק את החמאס. וכן, דוסרי טרף.